भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक किसी अर्थव्यवस्था को हम उत्तम ढंग से तभी समझ सकते हैं जब उसके घटकों क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। क्षेत्रक वर्गीकरण अनेक मानदंडों के आधार पर किया जा सकता है। इस अध्याय में तीन प्रकार के वर्गीकरण की चर्चा की गई है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, संगठित, असंगठित और सार्वजनिक निजी। आप दैनिक जीवन में छात्रों से परिचित उदाहरणों के द्वारा इन वर्गीकृत क्षेत्रों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। क्षेत्रकों की बदलती भूमिका पर विशेष बल देने देना आवश्यक है। सेवा क्षेत्र की तीव्र समृद्धि की और छात्रों का ध्यान आकर्षित करते हुए पुनः इन पर प्रकाश डाला जा सकता है। इस अध्याय में प्रस्तुत धारणाओं की विस्तार से व्याख्या करते समय छात्रों को कुछ मौलिक अवधारणाओं जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार इत्यादि से अवगत कराने की जरूरत पड़ सकती है। चूंकि छात्रों को इसे समझाने में कठिनाई हो सकती है, इसीलिए उदाहरण के द्वारा इन्हें स्पष्ट करना आवश्यक है। छात्रों को समझाने में सहायक अनेक क्रियाकलाप और अभ्यास इस अध्याय में दिए गए हैं। किसी व्यक्ति के कार्य को कैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, संगठित या असंगठित और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में रखा जा सकता है। आप छात्रों को उनके आसपास के कामकाजी लोग, दुकान के मालिक, अनियमित श्रमिक, सब्जी विक्रेता, कार्यशाला मैकेनिक, घरेलू नौकर इत्यादि से बातें करने के लिए कि वे कैसे रहते हैं और काम करते हैं तथा और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इन जानकारियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों का स्वयं वर्गीकरण करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्षेत्र की भूमिका में परिवर्तन से होने वाली समस्या का एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर प्रकाश डालने की जरूरत है। इस अध्याय में बेरोजगारी और उसके निराकरण के लिए सरकार क्या कर सकती है, इसके उदाहरण दिए गए हैं। कृषि के घटते महत्व और कृषि के घटते महत्व और उद्योगों एवं सेवाओं के बढ़ते महत्व को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों के लिए किए गए अधिकाधिक उदाहरणों से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त सूचनाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप छात्रों को अखबारों की महत्वपूर्ण कथनों और विवरणों को लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं जिन कथा पटलों पर प्रदर्शित किया जा सके और इन पर चर्चा की जा सके। असंगठित क्षेत्र पर चर्चा करते समय कार्यरत श्रमिकों के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। आप छात्रों को असंगठित क्षेत्र के लोगों तथा उद्यमों के पास जाकर उनकी वास्तविक जीवन परिस्थितियों का साक्षात अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। सूचना के स्रोत इस अध्याय में सकल घरेलू उत्पाद, स घ उ के आंकड़े, औद्योगिक उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित वर्ष 2011 से 12 के मूल्य के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी की वास्तविक समय पुस्तिका से लिए गए हैं। यह स घ उ तथा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अन्य जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। मूल्यांकन के लिए विशेषकर पाठकों की विश्लेषण क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से भी शिक्षक इस रिपोर्ट का इंटरनेट के माध्यम से भिन्न वर्षों के आंकड़े प्राप्त करने के लिए उल्लेख कर सकते हैं। रोजगार आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा रोजगार और बेरोजगारी पर किए गए पंचवर्षीय सर्वेक्षण के आंकड़े पर आधारित है। भारत सरकार के सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अंतर्गत एक संगठन है। इसकी वेबसाइट है HTTP मोस्पी गवर्नमेंट इन को आप देख सकते हैं। रोजगार आंकड़े अन्य स्रोतों जैसे भारत की जनगणना में भी उपलब्ध है। ये चित्र में दिखाए गए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। निम्न चित्रों को देखें, आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए और इन समूहों को क्षेत्र भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। अनेक तरीकों से ये चित्र में वर्गीकृत किया गया है। हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि। प्राथमिक
प्राथमिक क्षेत्र कृषि प्राकृतिक वस्तु उत्पादित करता है, द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक विनिर्मित वस्तु उत्पादित करता है, और तृतीयक क्षेत्र में आपको अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है। प्राकृतिक संसाधन के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती, यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हमें मुख्यतः 9 की पूर्णता प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है, अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पाद में हम पशुओं के जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं, अतः इसका उत्पादन दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्राकृतिक से उत्पादित नहीं होती हैं बल्कि निर्मित की जाती हैं, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाने, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशों का उपयोग कर हम सूती सूत कातने और कपड़े बुनने, गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवन का निर्माण करते हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपर्युक्त 2 क्षेत्रों से भिन्न है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदाम में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार संवाद या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूंकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं इसीलिए तृतीय क्षेत्र की सेवाएं क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। यद्यपि आर्थिक गतिविधि 3 विभिन्न वर्गों में विभाजित है फिर भी ये बहुत अधिक पारस्परिक निर्भर हैं। हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। तालिका 2.1 आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण हैं। कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा? मिल बंद हो जाएगा क्या? यह प्रदर्शित करता है। यह द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। कल्पना करिए कि यदि कंपनी बाजार से कपास नहीं खरीदती और अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती है तो कपास की खेती का क्या होगा? भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी और यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की ओर उन्मुख नहीं होते तो वे दिवालिया भी हो सकते हैं तथा कपास की कीमत गिर जाएगी। किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसी अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। कल्पना करें कि यदि उर्वरकों और पंप सेटों की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा? खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों को लाभ कम हो जाएगा। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। कल्पना करें कि यदि ट्रांसपोर्ट
ने हड़ताल कर दी है और ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियां, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पादन बेचने में असमर्थ हो जाएंगे। आओ इन पर विचार करें। विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता दिखाते हुए ऊपरी सारणी भरें। पुस्तक में वर्णित उदाहरणों में से भिन्न उदाहरणों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के अंतर में व्याख्या करें। निम्नलिखित व्यवसाय के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित करें। दर्जी, पुजारी, कुम्हार, टोकरी बुनकर, कुरियर पहुंचाने वाला, मधुमक्खी पालक, फूल की खेती करने वाला, दिया सलाई कारखाना में श्रमिक, अंतरिक्ष यात्री, दूध विक्रेता, महाजन, कॉल सेंटर का कर्मचारी, मछुआरा और माली। विद्यालय में छात्रों को प्रायः प्राथमिक और द्वितीयक अथवा वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन की कसौटी क्या है? क्या आप मानते हैं कि यह विभाजन उपयुक्त है? चर्चा करें। तीन क्षेत्रकों की तुलना। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के विधि विविध उत्पादों कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसीलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या एक से अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षा कई छोटे आकार के होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विविधता वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं? आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है, पर न केवल बेहद कार्य है बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटर, कीलों और फर्नीचरों की, ये गेहूं की उत्पाद महिला द्वारा, लेकिन मुझे इस गेहूं का मूल्य, पूरा मूल्य प्राप्त होना चाहिए जिसका मैंने उत्पादन किया है। ये महिला कह रही है कि गेहूं का मूल्य पूरा उसको चाहिए। फर्नीचर की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं? अत्यंत बेतुक बात है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्यों का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसा कि 10,000 किग्रा गेहूँ 8 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है तो गेहूँ का मूल्य 8,000 होगा। 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। जैसा कि एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किग्रा की दर से गेहूं बेचता है, मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्किट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है। बिस्किट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ता को 60 रुपये में 15 रुपये प्रति पैकेट बिस्किट बेचती है। अतः बिस्किट की अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुँचती है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का ही गणना क्यों की जाती है? दिए गए उत्पाद उदाहरणों में अंतिम वस्तुओं के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले ही शामिल होता है। बिस्किट अंतिम वस्तु के रूप मूल्य 60 रुपये में पहले 60 रुपये में पहले से ही आटा का मूल्य 10 रुपये शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं। पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में और अंततः अंतिम वस्तु बिस्किट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं।
यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालतम प्रदर्शित करता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मानक मापन जैसे कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्यों से संबंधित सूचना एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान लगाता है। क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन समानता। अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे उसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि में जुड़े थे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांशतः उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्राथमिक क्षेत्र में आती थी और अधिकांश तो लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते थे। लंबे समय 100 वर्ष से अधिक के बाद और विशेषकर विनिर्माण के नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखानों अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादों एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इसी कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्रों का महत्व परिवर्तित हो गया। विगत 100 वर्ष में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्रों में से तृतीय क्षेत्रों की ओर पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पादक की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया। भारत में तीन क्षेत्रों की कुल उत्पादक और रोजगार कितना है विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है, हम इसे अगले खंड में देखेंगे। आओ इन पर विचार करें। एक, विकसित देशों का इतिहास क्षेत्रों में हुए परिवर्तन के संबंध में क्या संकेत करता है। दूसरा, अव्यवस्थित वाक्यांश में सकल घरेलू उत्पाद गणना हेतु महत्वपूर्ण पहलुओं को व्यवस्थित एवं सही करें। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए हम उनकी संख्याओं को जोड़ देते हैं। हम विगत 5 वर्षों में उत्पादित वस्तुएं सभी वस्तुओं की गणना करते हैं। चूंकि हमें किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए हम इन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योगफल प्राप्त करते हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि आप मूल्य की विधि का उपयोग करके प्रत्येक चरण में जोड़े गए वस्तु या सेवा के मूल्य की गणना कैसे करेंगे। मूल्य और सेवा भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र आलेख एक तीनों क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है। यह 2 वर्ष 1973 से 74 और 2013 से 14 के उत्पादन को दिखाता है। हमने इन 2 वर्षों के लिए आंकड़े का उपयोग किया है क्योंकि यह आंकड़े तुलनीय और प्रमाणिक हैं। आप देख सकते हैं कि 40 वर्ष में कुल उत्पादन में कितनी समृद्धि हुई है। ये आलेख एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र के लिए नीचे वाला दिखाया गया है, द्वितीयक वाले क्षेत्र के लिए लाल वाले, तृतीयक क्षेत्र के लिए दिखाया गया है। ये स्रोत लिया गया है 2013-14 नवीनतम वर्ष जिसके लिए तुलनीय आंकड़े उपलब्ध हैं। 1973-74 में 50 यानी 5 लाख के आसपास था और 2012-13 में यह बढ़कर आपका हो गया 55 लाख के आसपास पहुंच गया। सकल घरेलू उत्पाद रुपये करोड़ों में था। आओ इन पर विचार करें। आलेख का अवलोकन करते हुए निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। 1973-74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन था? 2013-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन था? क्या आप बता सकते हैं कि 30 वर्ष में किस क्षेत्र में सबसे अधिक समृद्धि हुई? 2013-14 में भारत की जीडीपी क्या थी? 1973-74 और 2013-14 के बीच तुलना क्या प्रदर्शित करती है? इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? विचार करें। उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व। 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्ष के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई।
परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई। परिणामत वर्ष 2013 से 14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्रों को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इसके कई कारण हो सकते हैं। प्राथमिक प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाएं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, डाक एवं तार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। द्वितीय, कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाएं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तृतीय, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्टोरेंटा, पर्यटक, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। चतुर्थ, विगत दशक में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीनतम सेवाएं महत्वपूर्ण है, अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय चार में हम इन नवीन सेवाओं और इनके प्रसार के कारणों का चर्चा करेंगे। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र के सभी सेवाओं में समान रूप से भी समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के हैं, लोगों को नियोजित करते हैं। एक ओर उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है, तो दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानें, मरम्मत कार्य, परिवहन जैसे सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प अवसर नहीं है। इसी कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? अलग दू सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। अब आप 40 वर्षों के क्षेत्र में बदलते महत्व को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। प्रत्यक्ष आप इस आंकड़े में देख सकते हैं। आलेख दो सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी परसेंट में दिखाई गई है। 100% 1973 से 74 में और 2012-13 से 14 में सबसे ज्यादा ऊपर वाले दिखाए गए, मतलब प्राथमिक क्षेत्र पहले वाले में ज्यादा है, द्वितीय क्षेत्र मिनिमम है और उसके बाद तृतीय क्षेत्र दिखाया गया जो पीले रंग हल्का सा है। भारत के संदर्भ में उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन वर्ष 1977 से 78 और 2017 से 18 और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाता है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। आलेख तीन में रोजगार में क्षेत्रों की हिस्सेदारी परसेंट में दिखाई गई है। 71% रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में 1977 से 78 में और द्वितीय क्षेत्र में 11 और तृतीय क्षेत्र में 18। इसी तरह 2017 से 18 के बीच में प्राथमिक क्षेत्र में 44, द्वितीय क्षेत्र में 25 और तृतीय क्षेत्र में 31% दिखाई गई है। प्राथमिक क्षेत्रों से रोजगार का एक ऐसा ही क्षेत्र का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार की पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। तृतीय क्षेत्र पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 है। इसकी तुलना में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में बाकी हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? तो यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं हो तो भी उत्पादक प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर
है और ज्वार और अरहर जैसी फसलें उपार्जित है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इसी प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार, ये चित्र दिखाई गई महिला की, जिनके पास कोई रोजगार रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, से अलग है। खुली बेरोजगारी, इसलिए इसे प्रचंड बेरोजगारी भी कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखाराम आता है। वो अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के एक या दो सदस्य को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है, क्योंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है। अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान है। इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें, तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते रहते हैं। ये प्लम्बर हैं, पेंटर हैं, मरम्मत है, कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्रों के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीजें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरे दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। सचमुच बेहतर अवसर नहीं है। आओ इन पर विचार करें। आलेख 2 और 3 में दिए गए आंकड़े का प्रयोग कर सारणी को पूर्ति करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, ताकि ये आंकड़े कुछ वर्षों के नहीं हैं तो उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। तालिका 2 दशमलव सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में प्राथमिक क्षेत्रों की हिस्सेदारी। सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी 1973 से 74, 77 से 78, 13 से 14 और 17 से 18 रोजगार में हिस्सेदारी 73-74 में बना सकते हैं। 40 वर्षों के प्राथमिक क्षेत्रों में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? सही उत्तर का चयन करें। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करना नहीं चाहते, सुस्त ढंग से काम कर रहे हैं, अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, उनके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता। विकसित देशों में देखे गए लक्षणों की भारत में हुई परिवर्तनों से तुलना करें और वैश्विक में बताएं भारत के क्षेत्रों के बीच किस प्रकार की परिवर्तन वांछित थे जो नहीं हुए। हमें अल्प बेरोजगारी के संबंध में क्यों विचार करना चाहिए? अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे होता है? ये चित्र में दिखाई गई महिला जो खेतों में काम कर रही है। उपर्युक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिलता है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है? हम कुछ तरीकों को देखते हैं। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसलें गेहूं उपार्जित है। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर भूमि गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिन बीज डालने और पानी देने, खाद डालने और कटाई में तक रोजगार प्रदान कर सकती है। तथा परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन से रोजगार मिल सकता है। हम मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है, जिससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी।
अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं, उन्हें कुछ उत्पादक बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें अपने उत्पादन नजदीकी के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पाद रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता बल्कि परिवहन और व्यापार जैसे सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है, खेती करने के लिए उसे बीजों उर्वरकों और कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी जरूरत है। एक निर्धन किसान के होने के कारण वह सभी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकती, इसीलिए उसे साहूकारों से पैसा उधार लेना होगा और उसे उच्च ब्याज दर पर वापस करना पड़ेगा। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साथ साख प्रदान करता है तो वह इन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी। तात्पर्य है कि पानी यह हरियाणा में गुड़ निर्माण की प्रचलन दिखाया गया है। ये गुड़ निर्माण कर रहा है व्यक्ति, देखिए अपने किसी से हिला रहा, नीचे आग भी जल रही है। पानी के साथ साथ कृषि में भी सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख भी प्रदान करने की जरूरत है। हम अध्याय 4 में मुद्रा और साख में कुछ आवश्यकताओं की अध्ययन करेंगे। हम एक अन्य तरीके से ही समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहाँ बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सके। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर दलहन फसलें उपजाने का निर्णय करते हैं। उनकी असूरी और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसी ही उदाहरण है। शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों को भंडारण कर सकें और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकें। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में हम शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं जहां किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकते हैं। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू शकरकंद चावल गेहूँ टमाटर और फल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करते हैं। आपके विचार से आपके क्षेत्र में किस समूह के लोग बेरोजगार अथवा अल्प बेरोजगार हैं? क्या आप कुछ उपाय सुझा सकते हैं जिन पर अमल किया जा सके? क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने आयु वर्ग 5 से 29 वर्ष में लगभग 60% बच्चे हैं। इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं, शेष विद्यालय नहीं जाते कि वे या तो घर पर रहते होंगे या उनसे अधिकतर बाल श्रम के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक ये चित्र में दिखाए गए हैं हमें और अधिक भवनों अध्यापक और अन्य कर्मचारियों को आवश्यकता होगी। योजना आयोग पूर्व वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षक क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टर नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ ऐसी तरीके हैं जिनके रोजगार का सृजन होगा और हमें विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे जिन पर हम अध्याय 1 में चर्चा कर चुके हैं। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहां के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। या पर्यटक अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योगों और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना और सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटक क्षेत्र में सुधार होता तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा तो छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत में लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी ये चित्र में दिखाई गई है, महिला जो पेंट करती हुई है, पेंट कर रही है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2015, महात्मा गांधी मनरेगा कहते हैं इसे, 2005 कहते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अधिनियम के अंतर्गत उसे उस तरह के कामों की वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि में से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। आओ इन पर विचार करें। आपके विचार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का काम का अधिकार क्यों कहा गया है? कल्पना कीजिए कि आप ग्राम के प्रधान हैं और उस हैसियत से कुछ ऐसे क्रियाकलापों को सुझाव दीजिए जिसे आप मानते हैं कि उसमें लोगों की आय में वृद्धि होगी और उसे इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। चर्चा करें। यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसी होगी? शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है? संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रों का विभाजन। अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के लिए एक अन्य तरीके का परीक्षण करते हैं। इसे लोगों के नियोजित होने के आधार पर देखते हैं। उनके काम करने की शर्तें क्या हैं? क्या कोई नियम और विनियम हैं जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है? कांता का एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सक और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। उस दिन सवेतन अवकाश होता है। उसने जब नौकरी आरम्भ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। कमल कांता का पड़ोसी है। वह नजदीकी के किराने दुकान में दैनिक मजदूरी वाला एक श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता। जिस दिन वह काम नहीं करता उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टी या वेतन अवकाश नहीं मिलता। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिलता जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए कह सकता है। क्या आप कांता और कमल के रोजगार की परिस्थिति में अंतर देखते हैं? कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसीलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों और विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं एवं कार्यविधि हैं। कुछ लोग के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं परंतु वे भी अपने को सरकार के सक्षम पंजीकृत कराते हैं और नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं। संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। ये नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। ये लाभ क्या हैं? सौ वेतन, छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवा अनुदान इत्यादि पाते हैं। ये चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित कराने होता है। जब वे सेनावृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्रों में काम करता है। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से निर्मित होती हैं होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। वे काम वेतन वाले
कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं हैं। यह अतिरिक्त समय में काम करने, सौ वेतन छुट्टी, अवकाश, बीमार के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियुक्ति की पसंद पर निर्भर होते हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्य जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगा लेते हैं। आओ इन पर विचार करें। निम्नलिखित उदाहरणों को देखें, इनमें से कौन असंगठित क्षेत्र की गतिविधियां हैं। विद्यालय में पढ़ाता है एक शिक्षक, बाजार में अपनी पीठ पर सीमेंट की बोरी ढोता हुआ एक श्रमिक, अपने खेत की सिंचाई करता है एक किसान, अस्पताल में मरीज का इलाज करता है एक डॉक्टर, एक ठेकेदार के अधीन काम करता है एक दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक, एक बड़े कारखाने में काम करने जाता है एक कारखाना श्रमिक, अपने घर में काम करता है एक करघा बुनकर। संगठित क्षेत्रों में नियमित काम करने वाले एक व्यक्ति और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले एक किसी दूसरे व्यक्ति से बात करें, सभी पहलुओं पर उनकी कार्य स्थिति की तुलना करें। असंगठित और संगठित क्षेत्र के बीच आप विभेद कैसे करेंगे, अपने शब्दों में व्याख्या करें। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में भारत के सभी श्रमिकों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई सारणी में दी गई है। सारणी को सावधानी से पढ़ें और विलुप्त आंकड़े में पूर्ति करें और प्रश्नों को उत्तर दें। तालिका 2.2, विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या 10 लाख में है। क्षेत्रक संगठित, असंगठित और कुल प्राथमिक में एक और असंगठित 232, द्वितीयक में 41, इसमें 74, 115, तृतीयक में 40 और 88, 172, कुल क्षेत्र 82 और कुल प्रतिशत में 100% असंगठित क्षेत्रों में कृषि में लगे लोगों का प्रतिशत क्या है। क्या आप सहमत हैं कि कृषि असंगठित क्षेत्रों की गतिविधि क्यों? यदि हम संपूर्ण देश में नजर डालते हैं तो पाते हैं कि भारत में परसेंट में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं और भारत में लगभग परसेंट में श्रमिकों को संगठित क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध है। असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की संरक्षण कैसे हो? संगठित क्षेत्र के अधिक मांगों पर ही रोजगार प्रस्ताव करता है, लेकिन संगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्रों के रूप में काम कराते हैं। वे ऐसी रणनीति कर वंचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणाम तो बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में काम करने के लिए विवश हुए हैं। जहां बहुत कम वेतन मिलता है उनका प्रायः शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। उनकी आय कम और नियमित नहीं होती है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और न ही इसमें कोई लाभ है। सन 1990 में यह भी देखा गया कि संगठित क्षेत्रों के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। अतः असंगठित क्षेत्रों में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। ये लाचार लोग कौन हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों और कारीगरों जैसे बुनकर, लोहार, बढ़ई और सुनार ये से रचित होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, खास साख भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार और परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले सिरों पर बोझ ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र भी निर्माण करने वालों और कबाड़ उठाने वालों से रचित है। लघु उद्योगों में उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पादक के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता
होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति से हैं, जो असंगठित क्षेत्रों में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर कम काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्रों को के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। ये चित्र में बिचारे दिखाए गए हैं। जब कारखाने बंद हो जाते हैं तब अनेक नियमित श्रमिक सब्जी बेचते या ठेले खींचते या कुछ अन्य काम करते देखे जाते हैं। ये चित्र में दिखाया गया है, बेचारे सब्जी लगा के बैठा हुआ है। स्मरण कीजिए, हमारे चारों ओर अनेक गतिविधियां संचालित होती हैं, उन पर तर्कसंगत ढंग से विचार करने के लिए वर्गीकृत की प्रक्रिया अपरिहार्य है। क्या हम क्या निष्कर्ष चाहते हैं, इस आधार पर वर्गीकरण की अनेक कसौटियां हो सकती हैं। वर्गीकरण की प्रक्रिया वस्तु स्थिति की मूल्यांकन करने में सहायता करती है। आर्थिक गतिविधियों में तीन क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभाजित करने के लिए कार्य के स्वभाव को कसौटी के रूप में उपयोग किया गया। इस वर्गीकरण के आधार पर हम भारत में कुल उत्पादक और रोजगार की पद्धति का विश्लेषण करने में समर्थ हुए। इसी प्रकार हमने आर्थिक गतिविधियों को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया और इस विभाजन का प्रयोग इन दो क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति देखने के लिए किया। वर्गीकरण अभ्यासों से व्युत्पन्न सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या थे, हुए समस्या और समाधान क्या थे जिनके ओर संकेत किया गया, क्या आप जानकारी को निम्नलिखित सारणी में संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। तालिका 2.4 आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण, क्षेत्र की इस्तेमाल की गई कसौटी, सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष, इंगित समस्या और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्य स्वभाव, संगठित और असंगठित, स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्र में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है परिसंपत्ति का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाओं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। रेलवे और डाकघर सार्वजनिक क्षेत्रों के उदाहरण हैं, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को अथवा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनी निजी स्वामित्व में है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है। सरकारी सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियाँ क्या है, सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, ज्ञात करें। कई ऐसे चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र को उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ें पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्र को की क्षमता से बाहर होते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर भी यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे उसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुल, रेलवे, पतन, बिजली आदि का निर्माण और बांधे आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए यह सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र को उन उत्पादों और व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है, जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की विक्रय से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाई, विशेषकर लघु इकाई, बंद हो सकती है। यह सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत की कुछ अंश वहन करती है। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती और इसे अपने गोदाम में भंडारित करती और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। आपने कक्षा 9 की खाद्य सुरक्षा अध्याय में इसके बारे में पढ़ा है। सरकार लागत का कुछ
सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है। इसी प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिकता जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया है। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि सरकार लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से एक चौथाई गंभीर रूप से बीमार हैं। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा। ओडिशा 41 अथवा मध्य प्रदेश में 47 की शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम भागों से अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधा और भोजन एवं पोषण एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की ओर देश के पूर्णतः अपेक्षित भागों की देखभाल करें। सारांश, इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों की कुछ सार्थक समूहों में विभाजित करने के तरीके का अध्ययन किया। इसका एक तरीका यह परीक्षण करना है कि गतिविधि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में से किसी से संबंधित है। भारत के विगत 30 वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि यद्यपि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, लेकिन रोजगार अधिकांशतः प्राथमिक क्षेत्र में ही मिलता है। हमने यह भी देखा है कि देश में रोजगार के अवसर में वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरे वर्गीकरण में हम संगठित या असंगठित क्षेत्र में कम काम करने वाले लोगों पर विचार करते हैं। अधिकांशतः लोग असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और उनके लिए संरक्षण अनिवार्य है। हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की गतिविधियों के बीच अंतर का अध्ययन किया और देखा कि सार्वजनिक गतिविधियों को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केंद्रित करना अनिवार्य है। इसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न मिले, सारे के सारे अभ्यास प्रश्न बहुत सारे मिल गए आर्थिक क्षेत्र के लिए। ये बहुत क्वेश्चन आपको मिल गए हैं।